हेलो फ्रेंड्स, आज हम छोटे बच्चे की टोपी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। उसके लिए हम उसकी लेंथ लेंगे 15.5 इंच और उसकी चौड़ाई लेंगे 7 इंच। इस तरह से हम उसका इधर से 7.5, इधर से यहाँ से 15.5 और यहाँ से 15.5 और यहाँ से 7.5 का एक कपड़ा काट के लेंगे। जो गले में बांधने की जो डोरी है, हम जो टोपी को लगाते वो हम 16 इंच लंबी लेंगे और 1.5 इंच की दो 1.5 इंच की ऐसी पट्टी लेंगे, ऐसे दो पट्टी लेंगे हम। हमने जो दो पट्टियाँ निकाली है उसको हम जॉइंट कर लेंगे। जो हमने कपड़ा लिया है हम टोपी को फ्रिल करके जो पीछे का हिस्सा है जो उसको फ्रिल करेंगे, उसके लिए हम ये पीछे का हिस्सा उसके लिए हमने 4.5 इंच की लंबी और 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी निकाली है। पीछे जो हम फ्रिल करने वाले हैं उसके लिए जो हमारी पट्टी है उसको हम ऐसा थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। अब हम जो हमारा टोपी के लिए जो ऊपर वाला कपड़ा निकला है और जो हमने छोटा वाला कपड़ा लिया है उसको हम ऐसे जॉइन करके यहाँ पे हम उसको फ्रिल करेंगे। इस तरह से हम पीछे के बैक को इसी फ्रिल तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे गोट लगाएंगे। अब हम जो टोपी बना रहे हैं उसके अंदर की ओर से हम ये पट्टी लगाकर ऊपर की ओर उसकी फोल्ड करेंगे। अब हम इसको ऊपर की ओर ऐसे लेके इसको हम ऐसे नगे एक टिप देंगे।
अब हमने ये जो डोरी बनानी की है उसका हम ऐसा सेंटर लेंगे, सेंटर लेके हमारे जो टोपी है उसको हम ऐसा सेंटर में उसको यहाँ से सेंटर का एक बनाएंगे, और जो हमारे डोरी का सेंटर है वहाँ से ऐसे पकड़ के इस तरह से हम डोरी को सिलेंगे। पहले हम सेंटर से सिएंगे। अब ये जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से और इस तरह से करके हम इसकी डोरी बनाएंगे। पहले हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से ऐसे करके, और इसको हम ऐसे जो इसे फोल्ड करके इस तरह से हमें डोरी बनाएंगे। दूसरी बाजू को भी हम ऐसे मोड़ के उसको ऐसे डोरी बनाएंगे। ये हमारे छोटे बच्चे की टोपी तैयार है।